गाइस अभी हम मार्केट में हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम श्रृंगार का सामान लेने आए थे और कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। और दुकान में कितनी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा लग रहा है आपको ये? मेरी साड़ी से मैच हो रहा है ना ये। अच्छा हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो करवा चौथ का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे सामान फैलाया हुआ है। ये सब श्रृंगार का सामान है जो अभी हम लेके आए हैं। सारा सामान जो है अभी हम लेके आए हैं। अभी 10:30 हो रहा है तो बहुत लेट हो गई और दुकान तो खुली थी क्योंकि भीड़ थी उस समय। उन्होंने कहा था हमें 9 बजे आना, तो हमने खाना वगैरह खाया तो हम 9 बजे गए। ठीक 9 बजे चले गए थे तो अब 10 बज रहा है। 10 आ गए, अब 10:15 करीब हो गया। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस समय। और मेरा बेटा मेहंदी लगा रहा है अपनी मम्मा को। मैं पूरा दुबई लेके आ गई तो अब मैं मेहंदी लगाऊंगी। रात को लगती है जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तब दिखाऊंगी डिजाइन में क्या बनाते हैं। तो गाइस आज है सैटरडे और कल संडे है। कल है करवा चौथ। कुछ तैयारी नहीं हुई, मेहंदी तक नहीं लगी है। तो अभी एक देवरानी है मेरी, वो आ रही है तो उसकी मेहंदी थोड़ा सा लगाते हैं, देखते हैं कैसा डिजाइन आता है मुझे लगाना। मैं यहाँ पे मेहंदी का डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ पैर में, बट बन नहीं पा रहा ना, बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है नीचे को। गाइस वो लोग मेहंदी लगा के चले गए, मैंने कपड़े उतार लिए हैं। मैंने व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि नवी ने फ़ोन ले लिया था मेरा और ये उठ गया था ना, लगाने नहीं दे रहा था, तो इसलिए तो और फोन से कोई था नहीं घर में एडिट, जो दूसरे के फ़ोन से मतलब मैं बना पाती। तो अभी अब मैं मेरी बारी, मैंने ना हाथ में लगाया ना पैरों में, अब मैं अपने पैरों में लगाती हूँ। उन लोग की मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर दूँगी, छोटी छोटी क्लिप अगर मांगती हूँ मैं, अभी मांगी तो है नहीं। उसके बाद अब मेहंदी लगाते हैं। अभी इवनिंग क्या रात ही हो गई है, 7 बज रहा है, 7:01 हो रहा है करेक्ट। तो अभी मैंने जो है सब्जी चढ़ा दी है, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ फटाफट, पैरों में लगा लेती हूँ, हाथ की बात देखी जाएगी। गाइस पैर में अभी नहीं बन पा रहा है मेरे हाथ से तो थोड़ा हिल जा रहा है, देखते हैं कैसे बनेगा। वैसे मुझे मैं परफेक्ट तो होनी मेहंदी लगाने में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस तरीके से लाइनिंग खींच दी है। ये मैंने पहले लगाया था ना उस समय जब मैं वीडियो शूट करी थी, शूट पाया था जब मैंने, तो उतना ही लग पाया था। उसके बाद और लोग आ गए थे तो मैं उनके लगाई थी मेहंदी। अब ये देखिए नव्यांश, मेहंदी ख़राब मत करो बेटा। नव्यांश ने मेरी मेहंदी ख़राब करने में लगा हुआ है। मेरी मेहंदी लग गई है, बस राइट हैंड में लगी है, नहीं मतलब लेफ्ट में लगी है, राइट में नहीं लगी है। राइट में कोई लगाने वाला नहीं है और पैरों में कंप्लीट हो गई है। ये देखना अब तो निकलने, अब रचने भी लग गई है। और कहते हैं ना करवा चौथ की मेहंदी में हस्बैंड का नाम लिखते हैं, मैंने अभी नहीं लिखा, अब लिखती हूँ। ये देखना मैंने एक दुल्हन बनाई है जो चांद देख रही है। थोड़ा मतलब सही नहीं बन पाया ना अपने हाथ से, ट्रायंगल मैच नहीं हो पाया। मैं जो मतलब उल्टा ऐसे बनाना था ना, ऐसे में ऐसे बनाना होता तो मैं बना लेती कि मतलब साइज देख के, तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे बनाया मैंने, नवी बना रहा है, ठीक है नवी बनाएगा। तो खाना, अब खाना खाते हैं, पहले खाना खाते हैं उसके बाद सो जाते हैं। अब क्या करें, राइट हैंड में तो लगा नहीं सकते। कल देखेंगे कौन लगाता है, कल तो हस्बैंड ने लगा दी थी, नहीं मतलब कल सॉरी पिछले करवा चौथ में तो हस्बैंड ने लगा दी थी मेरे इस हैंड में। तो इस समय वो आ रहे हैं, अभी आए नहीं है, रास्ते में है, कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे। तो वैसे बिना हस्बैंड के अच्छा नहीं था ना, वो साथ में हो तभी करवा चौथ मनाने का मुझे अच्छा लगता है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अगर होता तो अच्छा नहीं लगता, तो इस बार भी वो आ गए। गाइस काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं राइट हैंड में बना रही हूँ, लेफ्ट हैंड से कभी लिखा तो नहीं लेफ्ट से, बट मेहंदी के लिए करना पड़ा है। देखो मैं क्रॉस वाले डिज़ाइन बना रही हूँ। गाइस रात के 1:30 बज गए हैं और इस समय मैं मेहंदी लगा रही हूँ और लिटरली मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो ये देखिए मेरे मेहंदी का डिज़ाइन, तो काफ़ी मुश्किलों के बाद जो मैंने बनाया है क्योंकि लेफ्ट हैंड से कभी यूज़ नहीं करा है ना। तो गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी करवा चौथ। और मेरी मेहंदी देखो कुछ ऐसी लगी हुई है, अच्छा कलर आया। वैसे 2 घंटे ही रखा था मैंने ये उल्टे हाथ से, जो मेरा डिजाइन मतलब अच्छा बना है, बारीक ना इस तरीके से
यहाँ से सिंपल लग गया थोड़ा सा। तो गाइस अभी मैं नहा के आई हूँ, जो बेटा पीछे बैठा है, तो अब थोड़ा सा चूड़ी चाड़ी पहन लेते हैं क्योंकि डेली वेयर में तो हम खाली एक एक कड़ा डाल देते हैं ना, तो करवा चौथ है तो थोड़ा सा पहनना पड़ता है, तो कुछ पहनते हैं पहले। ये है मेरे बिच्छू, फर्स्ट करवा चौथ में लिए थे ना, तब से मैं इन्हीं को पहनती हूँ क्योंकि ज़्यादा इतने तो पहने नहीं जाते। गाइस कैसे लग रहे हैं, चल रहा नई नवेली दुल्हन होगी कोई ना, और नील पेंट भी हमारी पुरानी लगी हुई है, नई नहीं लगाई है, इतना ढीले हो जाते हैं बिच्छू, पता नहीं कैसे कौन इतना पहन लेते हैं ना डेली। गाइस कितना सुंदर डिब्बा है, वैसे ज्वेलरी बॉक्स के लिए मैंने गलती करी, अब मुझे लग रहा है ना मैंने मसूरी से लिया था, ये ओनली 50 रुपीज़ का, तो मैंने दो तीन और लेने चाहिए थे ज्वेलरी रखने के लिए, इतना सुंदर सा है, इसमें मैंने अपनी रिंग रखी हुई है। तो गाइज अभी मैं इन लिफाफों में सामान रख रही हूँ जो करवा चौथ का देने का है लेडीज़ को, जो फिर ये लिफाफे भी मैंने घर में बनाए हैं, इसकी क्लिप बता दी मेरे पास है कि नहीं है, मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड करी मुझे याद नहीं है, मिलेगी तो मैं डाल दूँगी ज़रूर। ये चूड़ी का डिब्बा थोड़ा टूटा हुआ है तो चेंज करा के लाते हैं, और सामान मैंने पैक कर दिया है। ये सूट का चुन्नी नहीं थी तो मैं अभी पहले मंदिर में अपना जो है थापना वगैरह करती हूँ, क्या कहते हैं उसे, करवा वगैरह रखते हैं मंदिर में, अभी एक बज गया कुछ नहीं करा है, और सामान मैंने सबका यहाँ पे तीनों पॉलीथीन में रख दिया है, अब इसे सेट करके मैं रिंग लाइट ले जा रही हूँ। ये रुचि ने सेट कर दिया है, मैं यहाँ पे करवा मैया है, मैं यहाँ पे लगाती हूँ इसे। सेट हो गया हमारा, ये मेरा है यहाँ पे, ये रुचि में रखा हुआ है, तो और सास का सामान मैंने यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि शाम को देते हैं ना, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे रख लिया, अभी दिन की पूजा नहीं हुई है, मतलब मैंने अभी अपना मंदिर को करा है। तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे मोदक जो गणेश जी को चढ़ते हैं, तो इसमें 5 चीज़ें मैं मिलाऊंगी, आटा हो गया और घी हो गया, चीनी होगी, ड्राई फ्रूट हो गए और दूध हो गया, 5 चीज़ें मैं मिलाऊंगी, इसे गूंद के अच्छे से शेप दे के मोदक बना लेंगे। मंदिर में चढ़ाते हैं पहले से, फिर देर हो गई है, हस्बैंड लोग को खाना देते हैं। जो जो याद आ रहा है जा रहा है, मैं बनाते जा रही हूँ। 3 बज गए हैं गाइस, अब तैयार हो जाते हैं दिन की पूजा के लिए, हमारा ट्रेडिशनल लुक है, मैं उसमें आती हूँ, चाहती हूँ क्योंकि ताकत नहीं है, थकान हो रही है, और वैसे तो एक्टिव ही हैं पूरा दिन, क्या करें। I've got some feelings that I've kept inside. Tell me your reasons for leaving me behind. I've got something I don't need to hide. Struck by lightning, you. Guys, खीर बन गई है, पूरी बन गई है, यहाँ पे पुए बन गए हैं, एक सब्जी यहाँ बन गई है, एक सब्जी हमने देख में निकाल दी है, अब रोटी बना लेते हैं क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होता है और तैयार होंगे, अभी 7:30 बजे 7:45 हो गया, मतलब देखते हैं थोड़ी देर में। गाइस तैयार होते हैं, दिन की पूजा तो हो गई है, और इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, देखते हैं चाँद आता है कितने बजे आता है, कोई पता नहीं है, यहाँ 11-12 बजे भी आ सकता है, तो खाना वाना बना लेते हैं तब आराम से तैयार होंगे। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक आज करवा चौथ का, तो इवनिंग की पूजा का ये लुक है मेरा, और मैंने जो बाइसा वाला लुक क्रिएट करा, थोड़ा राजस्थानी लुक कहते हैं।
जो मैंने ये राजस्थानी है, अभी राजस्थानी मांग टीका नथ पहनी हुई है, फर्स्ट टाइम मैंने इसे पहना हुआ है, और चोकर पहना है गले में, और ये है मेरा लहंगा। फुल लुक में कैसे दिखाऊं, कोई है नहीं यहाँ पे अभी। तो इस तरीके से मैंने आई मेकअप करा है, हल्का सा, हल्का तो नहीं है मतलब हैवी है। ये पिंक कलर है पर कैमरे में थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का लग रहा है ना, हाँ, तो इसका सेम मेकअप करा है मैंने। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं चुन्नी डाल के दिखाती हूँ आपको। साढ़े दस बज गया है, नहीं 11 बज गया था, मैं टाइम देती हूँ पहले। 10:30 बज गया है और अभी तक चांद नहीं आया है, और हम पूरा तैयार हो गए, कब से बैठे हैं, मैं 9:30 बजे तैयार हो गई थी, तब से मैं बैठी हूँ, कमर दर्द हो गई, भूख क्या लग रही है, मतलब आपको पता ही हालत। तो देखते हैं चांद कब तक आता है यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ। मैं अभी गाड़ी चला रहा है ना, तो ऐसा साउंड आ रहा है पीछे, गुड़ू गुड़ू, इतनी बारिश हुई है यहाँ, इतनी बारिश हुई है, इतनी तूफान आया है, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो नहीं लगता मुझे चांद इस दिन आएगा यार, आज आएगा, अभी तो 1-2 बजे आएगा। अब देखते हैं पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। अभी बैठी हुई हूँ मैं अपने रूम में तैयार होके, खाना सब रेडी है, उसमें मैंने आपको दिखा दिया था, रेडी हो गया था। अब क्या करें गाइस, 1-2 घंटे वेट तो करना ही पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, जब तो मैंने घर बचा के पास रखे, तब से फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतना वेट करा रहा है ये चांद। फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए भी कोई नहीं, कहाँ खींचे, बाहर बारिश हो रही है और अभी चांद आया नहीं है, कहाँ खींचे, रूम में मैसे हो रखा है, कहीं भी जगह नहीं है ऐसे। तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको अपनी ड्रेस, ये मैंने पहना है लहंगा, बहुत हैवी लहंगा है ये। गाइस चांद आ गया था जब मैं आपसे बात करी थी अंदर रूम में, तो लेकिन उसमें हल्का हल्का दिखने लग गया था बादल के, उससे तो हम छत में गए, जब हल्का हल्का, हल्का नहीं पूरा ही निकल गया था थोड़ा थोड़ा बादलों के बीच में से, तब हमने पूजा करी। खाना खाते हैं, पहले ड्रेस पहन लेते हैं, ऐसे खाना खाते हैं। फोटो तो नहीं ली हमने ज़्यादा अच्छी कोई भी, फिर भी। तो गाइस अब बहुत थक गए हैं, खाना खाते हैं, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।